नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण CLCC कर से आज 11 जनवरी 2023 को एक बहुत खास वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं मेरे एक ऐसे लाडले स्टूडेंट के साथ, जो इस बात को डिफाइन करेगा। ये वीडियो का मैसेज ये रहेगा कि जिंदगी में करने के लिए जज्बात होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, संबंधों में मधुरता होनी चाहिए, खुद के प्रति और अपने से बड़े जो भी आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके प्रति विश्वास होना चाहिए। मेरे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल बैठे हैं, जिन्होंने 2016 में CLC में IIT की प्रिपरेशन की थी, बट आप किसी कारणवश IIT या NIT में नहीं जा पाए। आपने स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की और जिस दिन आप यहाँ से गए उस दिन एक लेटर, जो खास इस वीडियो की सबसे खास बात है, एक लेटर इन्होंने लिखा जिसपे इनके साइन भी हैं और मेरे साइन भी हैं। ये लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, वर्ष 2016 मैंने IIT में चयन के लिए परीक्षा दी परंतु वह सिलेक्ट नहीं हुआ। CLC ने मुझे परिवार की तरह पाला और इसी का नतीजा है कि भविष्य में एक सफल आदमी बन के मैं CLC आऊँगा। ये बात कह के पकड़े पूछो बेटे इसको, ये बात पकड़ के, ये सिग्नेचर पुरुषोत्तम के हैं, 15/6/2016 ये मेरे साइन है, 15/6 के शाम 7 बजे के। और ये लेटर लेकर ये पुरुषोत्तम आज मेरे पास एक सफल व्यक्ति बन चुका है और बनने के रास्ते पे चलना शुरू हो चुका है। दोस्तों एक बार तालियां बजाएं हमारे बच्चों के लिए। ये CLC है, ये एक शिक्षक श्रवण की क्वालिटी है। इसलिए मुझे अक्सर लोग कहते हैं, श्रवण सर आप 27-28 साल से काम कर रहे हो, आप थकते नहीं हो क्या? जब कभी थक जाता हूं इस प्रकार के पत्र, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, और कभी व्यक्तिगत मेरे बच्चे आके दिखाते हैं, थकान मिट जाए। दोस्तों कहना बहुत आसान है, 16 से 23, 6 साल में, 7 साल में घर पे होली दिवाली की साफ सफाइयाँ भी होती हैं, बड़े बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स केवल गायब हो जाते हैं। एक सामान्य कागज का टुकड़ा, जब कोई प्रॉपर्टी के टुकड़े नहीं है, तो कागज नहीं प्रॉपर्टी का, बट ये भावनाएं हैं एक गुरु शिष्य की। तो बेटा पुरुषोत्तम, मैं चाहूँगा अब आप क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ही की जुबानी आपका बताएं, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अपनी जर्नी बताएं, और आप क्या कर रहे हैं इस फिलहाल, और आप समाज को जो दे रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया, वो आप अपने मुंह से बताएं ताकि आप उसको बेटर बता पाएंगे, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी हैं। तो पुरुषोत्तम आप अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो बॉस को और CLC को प्रणाम करूंगा कि 6 साल बाद भी जब मैं आया तो मुझे उतना ही प्यार मिला जितना 6 साल पहले मुझे मिला था। तो जैसा आप बता रहे थे कि होली दिवाली की सफाई होती है, तो कई सारे जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कागज कई बार, तो ये मेरे पर्स में रहता था हमेशा। तो एक बार मेरा पर्स घूम गया, तो बड़ी मेहनत करके पर्स को ढूंढा, उसमें जो पैसे थे, कार्ड थे, वो तो वापस आ सकते थे, लेकिन ये कागज वापस नहीं आ सकता था। बड़ी मेहनत के बाद मुझे 2-3 दिन लगे, लेकिन मुझे मेरा पर्स मिल गया वापस। तो ये मिलने के बाद में इसको रोज पर्स का भी ध्यान रखता था, इसका भी ध्यान रखना जरूरी था। फिर जब जर्नी की अगर बात करें तो 2015 में मैंने CLC में एडमिशन लिया था IIT टारगेट बैच के लिए। तो तैयारी अपनी तरफ से पूरी थी, बॉस का मोटिवेशन, उसमें एक बहुत बड़ा जो नाइट कैंप होता था पहले, असेंबली है, नाइट कैंप है, 40 का पार्ट होता था, तब भी मैं यहाँ आता था। तो एक मोटिवेशन था, उसके साथ तैयारी करी, मेहनत करी, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन। की तैयारी में मेरी कहीं ना कहीं कमी थी, ये जो भी कारण थे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मैं एक बार मिलना चाहता था बॉस से, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से मिलूंगा, जिन्होंने मुझे इतने समय तक मोटिवेट किया, और उनके सामने मैं क्या रिजल्ट लेके जाऊंगा कि मेरा रिजल्ट 0 रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ बाहर रिसेप्शन पे ही बैठा था, तब बॉस आ रहे थे सामने से। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि बॉस, जैसे कई लोगों को जैसे गाँव के नाम से जानते हैं, कईयों को उनके सरनेम से जानते हैं, तो इन्होंने, मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ, मकराना बोरावड एक कस्बा है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बॉस ने मेरे को कहा, मतलब मेरे को पहचान गए थे, उन्होंने ऐसे कहा, तो नागौर का है नहीं, तेरा क्या रिजल्ट रहा तेरा? तो मैं बताने से पहले भावुक हो गया, कि क्योंकि रिजल्ट बताने जैसा कुछ था नहीं। तो उसी समय मैंने ये लेटर लिखा, बॉस ने मेरे को उसी टाइम आशीर्वाद दिया था कि एक सफल आदमी बनेगा, IIT जैसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिंदगी में सफलता के लिए, सब कुछ IIT जैसी नहीं है। अब देखो बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूँगा पुरुषोत्तम की बात टोकते हुए, कि भी आप नीट की JEE की तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं होता तो ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, जिंदगी उसके आगे बहुत है, जिंदगी इसके आगे बहुत है, जैसा कि पुरुषोत्तम अभी जी रहा है अपनी जिंदगी बहुत प्यारी सी। तो बॉस ने यही आशीर्वाद दिया कि IIT जैसे कोई और भी कई सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो,
तो उन्होंने मुझे उस समय आशीर्वाद दिया। तो एक मेमोरी के लिए मैंने एक लेटर लिखा और उसी टाइम मेरे और बॉस के उसमें साइन हुए, इसमें डेट भी लिखी, ताकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं एक दिन वापस आऊँगा यहाँ पर सीएलसी में और बॉस से मिलूँगा। तो शायद आज वो दिन वापस आ गया। तो अब सीएलसी के बाद की जर्नी बताता हूँ कि सीएलसी में जो मुझे मोटिवेशन मिला उसके आगे की जर्नी में मुझे उसमें क्या सहयोग मिला उस मोटिवेशन का। मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, 2020 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। तो 2019 से ही मैं कंपनी के साथ काम करने लग गया था। लास्ट के ईयर में आप काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ, इंटर्नशिप वगैरह जो होती है। तो हमारी एक कंपनी है पढ़ाई हेल्प प्राइवेट लिमिटेड, जो कि स्कूलों में रोबोटिक की लैब बनाती है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें पहले इंजीनियरिंग में होती थी, अब स्कूल लेवल पर भी है। अभी सरकार स्कूल लेवल पे लेके आ गई है ना। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था अटल टिंकरिंग लैब, जो अभी भी चल रहा है, उस अटल टिंकरिंग लैब के प्रोजेक्ट पे उस कंपनी ने काम शुरू किया। तो उसका सारा टेक्निकल का जो काम था वो मैं संभालता था, क्योंकि 2017 से मैं IoT, रोबोटिक्स, इन सब के रिसर्च में मैं काम करता था। तो अभी इस एज ग्रुप में आपको ज्यादा सीनियर लोग नहीं मिलेंगे, ये जो हाँ, ये नया बोल, क्योंकि लेटेस्ट है बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी पूरा फॉरेन कंटेंट पढ़ा, बाहर के विदेशों के वीडियो देखे, उनकी किताबें पढ़ी, तब जाके सारा रिसर्च किया। फिर हमने पूरे राजस्थान और राजस्थान के आसपास के स्टेट में हमने लगभग 300 के आसपास हमने लैब बना दी है। बना दी जी, क्या बात है। उस कंपनी के साथ मिलके हमने लैब बनाई है। अब इस लैब का खर्चा कितना होता है बेटा? लैब का खर्चा होता है, एक 5 साल के लिए सरकार इसका बजट देती है 20 लाख रुपए। तो पैसे सरकार देगी इसका? जी, पैसे सरकार देती है, जिसमें 10 लाख तो इसका लैब का बनने का खर्चा है और बाकी 2-2 लाख रुपए इससे 5 साल तक इसको चलाने रनिंग कॉस्ट होगी इसकी। तो इस तरीके की हमने 300 लैब राजस्थान में बनाई। अब जब लैब सारी बन गई थी तो मैं उस कंपनी में एक जॉब एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था। सारा सेटअप वगैरह सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ किया। तो कंपनी के जो ओनर थे तो वो मेरी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि हम एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और तुम उसमें पार्टनर रहो हमारे साथ में। क्या बात है। तो हम ये आपकी मेहनत का एक प्रतिफल मिला, आपको पुरस्कार मिला। मेहनत का था और मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि एक किसी को आइडियल मान के अगर आप चलते हैं तो उसका रिजल्ट, जैसे अपन मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान आसपास दिखते नहीं, लेकिन एक मूर्ति को भी आइडियल मान के अगर अपन पूजा करते हेल्प करती है अपने। लेकिन तो कुछ 3-4 लोग हैं जिन्हें मैं अपने आदर्श मानता हूँ, जैसे मेरे माता पिता है, बॉस है, और बिजनेस में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने आदर्श मानता हूँ। तो उनको आदर्श मानते हुए मैंने अपना काम किया, तो उस चीज़ का मुझे फल मिला। और जो मेरे बिजनेस में जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर दिया। उसके बाद हम लोग एक नई कंपनी शुरू करने वाले हैं, तो उस कंपनी को शुरू करने के लिए हम लोग एक इवेंट करने वाले हैं जोधपुर के अंदर, फरवरी में वो इवेंट होने वाला है। तो उसी इवेंट के लिए मैं पूरे राजस्थान में मार्केटिंग के लिए घूम रहा था। जब मैं सीकर आया तो बॉस के पास आना तो बिल्कुल ज़रूरी था, बॉस का आशीर्वाद लेना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपनी नई कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। इस कंपनी के माध्यम से हम लोग ये जो ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्या फॉरेन कंटेंट है, आपको इंग्लिश में वीडियो मिलेंगे इसके, मतलब अच्छे लेवल के वीडियो आप देखेंगे तो इंग्लिश में मिलेंगे आपको। तो गांव का जो बच्चा है वो उसको समझ नहीं पाता है, या हिंदी मीडियम का बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। तो हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिनबल के नाम से, जिनबल ZINBAL, जिनबल एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें तो वो हम लोग ऐप लॉन्च करने वाले हैं उसका, जिससे बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये टेक्निकल चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपन बात करते हैं जापान में ये टेक्नोलॉजी है, वहाँ वो टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें चल रही है। तो एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें लाने के लिए सरकार भी पूरा प्रयत्न कर रही है, लेकिन इन चीज़ों को लाने के लिए हमें भी अपना कुछ ना कुछ सहयोग देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसके अंदर कुछ कोर्स लॉन्च करेंगे हम, जिसमें आप रोबोटिक्स सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग, कोडिंग जो आजकल बहुत चल रहा है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और वो सक्सेसफुल चलने के बाद में हम रीजनल लैंग्वेज और जैसे अलग अलग स्टेट के बाद वो तो जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो होता जाएगा, हम शुरू करेंगे ताकि गाँव के बच्चों को भी टेक्नोलॉजी की शिक्षा आसानी से मिल सके। क्या बात है। तो इसके लिए आपका आशीर्वाद लेना। तो आप ये, मैं आपकी बात तो समझ पाया कि पहले आप एक कंपनी में एक इंजीनियर थे और आप उस कंपनी की आपने 300 के आसपास लैब एडजस्ट कर दी। अब आपको आपके ईमानदारी से, आपके क्वालिटी से आपको वहाँ एक ऑफर मिला पार्टनरशिप का, और अब एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आप, क्यों क्या ऐप जो आप ऐप कहते हो आप? ऐप तो किसी कोई कंपनी बना रही है, लेकिन हमारा जो बिजनेस का जो मॉडल है वो ये है कि हम
टेक्नोलॉजी टेक्निकल कोर्स जो है वो गांव तक ले जाना चाहता। मैं एक बात होता मेरे को, जैसे मेरे एक स्कूल है हमारे सिंपल, मैं स्कूल चाहता हूँ कृष्णा विद्या मंदिर, मेरे लिए क्या कर सकते हो आप? जैसे सिंपल माना मैं एक संस्था का मालिक हूँ, संस्था हेड हूँ, मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं? जी हमारी जो कंपनी पढ़ाई हेल्प एक अलग कंपनी है जिसमें मैं काम करता था, और जिम्बल एडटेक एक कंपनी है जिसमें मैं पार्टनर हूँ। तो पढ़ाई हेल्प का जो मेन काम यही है कि स्कूलों के अंदर जो भी नई चीज आती है, जैसे प्ले ग्रुप के लिए नई नई चीजें हैं, हम AI के लिए लैब बनाते हैं, रोबोटिक्स के लिए लैब बनाते हैं, ऐसी कई सारी अलग अलग तरह की लैब के नए लैब की। आप सबसे पहले आप हमें लैब बना के दोगे? लैब बनाए, उसका खर्चा क्या होता है? उसके अलग अलग खर्चे डिपेंड करते हैं, जैसे ये जो सरकार जो लैब 10 लाख में ये लैब बनती है, तो सरकार के तो कई सारे उसके अंदर सिस्टम रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तो 10 लाख से भी कम में हम रोबोटिक्स। तो सबसे पहले आपका जो प्रोजेक्ट है यदि मुझे उसको मेरे बच्चे तक पहुंचाना, तो मुझे पहले लैब बनाना पड़ेगा, और लैब के बाद आपका फिर ऐप होगा जो उसको उस लैब में पढ़ने के लिए वो ऐप रहेगा। लैब तो बना दी बट उसका आपको ट्यूटर नहीं है, ट्यूटर तो नहीं, क्योंकि अगर अभी बात करें तो कंप्यूटर टीचर भी गांव तक मिले नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसलिए हमने यही कॉन्सेप्ट रखा कि इतने ज्यादा ट्रेनर एक साथ मिलना बहुत मुश्किल काम है, उनको तैयार करना मुश्किल काम है, क्योंकि मेरी एज अभी 26 साल है और मैंने पूरा फॉरेन कंटेंट पढ़ के सही निकाल के पढ़ा, तो अभी उसमें एक बड़ी स्केल पर लोगों को तैयार करना थोड़ा सा। अभी आप इस ऐप को लॉन्च कब कर रहे हो? फरवरी में कर रहे हो। एक आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, बोल दो वीडियो ताकि कोई आपसे संपर्क, आपका संपर्क किया जा सके आपसे। 9602659149 मेरे मोबाइल नंबर है, तो आप कोई भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप स्कूल के बिजनेस में या फिर आप अपने स्कूल में इस तरह की लैब बनवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी बच्चे टेक्निकल कोर्स के थ्रू अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप। तो बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले सारे अपोस्ट में कह सकता हूं कि मेरे लाडले बेटे पुरुषोत्तम अग्रवाल के मोबाइल नंबर जो आपको इस वीडियो में दिखाए हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और देखो 26 साल के बच्चे ये आज के 4 साल पहले लग गए, 20-22 साल की उम्र में इन लोगों ने अपना कुछ नया करने का सोचा, और इस तरह के पत्र देखो हमारे शेखावटी कहते पूत के पांव दिखाई देते हैं पालने, मतलब 7 साल पहले जब आप बहुत 19 साल के बच्चे रहे हैं तभी आपका सपना था। सपने दोस्तों बहुत जल्दी उम्र पल जाते हैं, बड़ी उम्र के बाद सपने नहीं पलते हैं, बड़ी उम्र के बाद तो फिर जिंदगी ढोई जाती है। आपने सपना पाला, आज आप सपना पूरा हुआ, आप CLC आए, इस पत्र को लेके आए, निश्चित रूप से पूरी CLC का मेरा विशेष रूप से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और जो भी इस वीडियो को साथी जहां भी देश में देख रहे हैं, आपको इस हमारे बालक पुरुषोत्तम से बालक कहेंगे बेटा हमारा, इस नंबर संपर्क करके आप अगली पीढ़ी को, सामान्य परिवार के बच्चों को, सामान्य घरों के बच्चों को आप एजुकेशन दें जैसे CLC ने किया। आप सब जानते हैं 96 में CLC के पहले यहाँ इस रूरल बेल्ट में एक बातें बड़ी असंभव थी, मेडिकल में जाना, IT में जाना, NIT में जाना, बल्क में जाना, बड़ी संख्या में जाना। आज आप देख रहे हैं 96 से शुरू हुआ CLC आज सीकर में एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। मैं थोड़ा बताऊँ CLC के बारे में, एट प्रेजेंट हम लोग JEE NEET के साथ NDA में भी काम कर रहे हैं, हमारा खुद का अपना स्कूल है CIS CLC इंटरनेशनल स्कूल CBSE, वहाँ इस लेव को डेवलप करेंगे अपन, एक स्कूल राजस्थान बोर्ड का है, दोनों स्कूल में एक एक लेव डेवलप हम भी करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा घर का ही बच्चा हमारा खुद का अपना CLC जो बना रहा है, निश्चित रूप से गांव के देश के, वो कहते हैं ना वाजपेयी जी का एक लोक कथन था, आखिरी व्यक्ति तक जब तक देश की सुविधा नहीं पूछेंगी तब तक देश आज़ाद नहीं हुआ है, ये विजन जिन लोगों की रहे। तो मैं एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ CLC में, और मेरी पूरी शुभकामनाएं बाबा से नाथ जी प्रार्थना है कि आपके सपने बड़े हों और पूरे हों। थैंक यू डियर, एक बार जोरदार तालियां हमारे सदन के लिए। थैंक यू डियर।